देखिए, आप लोगों ने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे, उन्हें कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पर एक मैटर बता देता हूँ, जिससे आपका इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं लाइफ में कभी भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को पूरा तो बताया नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ऑप्शन भी दिए रखे होते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन होता है उसको करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए लिखा है कि सभी ए बी हैं, तो यहाँ पर ए की जगह और कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन के टाइप होते हैं, कई तरह के होते हैं। ए क्वेश्चन आपको मैक्सिमम सभी पेपरों में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से भी पूछ सकता है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। ओके, कि सभी लड़के लड़कियां हैं, या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि कुछ कुर्सी कुछ मेज हैं, कुछ कुर्सी कुछ पंखे हैं, या कुछ पंखे कूलर हैं। इस तरह से भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, एक्स वाई जेड किसी जानवर का नाम दे देगा, या फिर किसी जो मनुष्य होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, यानी संजीव निर्जीव कुछ भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया रखा है या फिर कुछ भी दिया रखा है। आपको इसका अप्रोच समझना है, मैं यहाँ पर आपको एक अप्रोच समझा देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप उससे अपने नॉलेज के बेस पे लगा सकते हैं, अभी ये मैं आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, या तो आप उसे नॉलेज के बेस पे लगा सकते हैं, या फिर आप उसे लॉजिक के बेस पे लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे नॉलेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने अभी तक, जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं, मैं आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ, ये गेम है, ये नया नया एक न्यू गेम आया है, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ओके, जब नॉलेज नहीं है तो आपने उसको इंस्टॉल किया, अब उसमें आप डायरेक्ट उसको खेलने लगे, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में जो नया गेम है, मान लीजिए पबजी आपने पहली बार खेलना स्टार्ट किया, तो पबजी आपने पहली बार खेलना स्टार्ट किया, इसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, यानी कि आपने आज तक कभी गेम खेला नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, उसे लॉजिक के आधार पर खेलना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ये दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है, कैसे आगे जाएगा कैसे पीछे जाएगा, कैसे मुझे गन लेनी है, कौन सी क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे ना, क्योंकि आपको इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर आपने, जैसे कि मान लेते हैं फोर्टनाइट हो गया या कोई भी गेम हो गया, ओके, उसको आप जानते हैं, खेले हुए हैं, अब आपने एक हफ्ते के बाद किसी ने अपने मोबाइल में दिया कि भाई तू फोर्टनाइट खेल सकता है, तो आप कहेंगे यस भाई मैं खेल सकता हूँ, और उसने जैसे ही फोर्टनाइट निकाल के अपने मोबाइल से दिया या कंप्यूटर में दिया, आप उसको खेलने लगे। आप अब उसे लॉजिक का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको उसकी नॉलेज भी है, तो आप नॉलेज के आधार पर उसे, आपको पता है कैसे वो उड़ेगा, कैसे लैंड करेगा, कैसे गोली चलाएगा, कैसे क्या करेगा, इसकी आपको नॉलेज है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी फोर्टनाइट नहीं खेला है, तो आप क्या करेंगे, लॉजिक के बेस पे उसको खेलेंगे, हल्की हल्की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, अब इन्हें आप नॉलेज के बेस पे नहीं लगा सकते, आपको सिर्फ मेथड पता होगा, यानी इतनी नॉलेज होगी कि क्वेश्चन ये कैसे किया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसी लॉजिक के आधार पर इस क्वेश्चन का आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर नॉलेज लगा देंगे तो क्या होगा, अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर लिखा होगा कि सभी जो लड़के हैं वो क्या है, लड़कियां हैं। ओके, क्या है, लड़कियां हैं। अब इस तरह से भाई क्वेश्चन दे दिया, अब आपकी मम्मी तो बचपन में कहती थी बेटा आप तो लड़के हो, आप रो नहीं सकते, आप लड़की नहीं हो, तो आपने बचपन वाली मम्मी की बात याद है कि जैसे आप क्वेश्चन हॉल में बैठे हुए हैं, वो सॉरी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपने ये क्वेश्चन देखा कि सभी लड़के लड़कियां हैं, आपको अब मम्मा की बात याद आ गई कि मम्मी ने तो हमें ये बताया था, मुझे ये नॉलेज है कि मम्मी कहती थी कि आप लड़के हो आप रो नहीं सकते क्योंकि लड़कियां अलग होती हैं। तो आपने यहाँ पर लगा देंगे ये लॉजिक, लगा आपने ये नॉलेज लगा दी कि लड़के लड़कियां नहीं हो सकते, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। ओके, तो इसीलिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पर लॉजिक लगाना है, आप भूल जाइए यहाँ पर लड़के पूछ रहा है, लड़कियां पूछ रहा है, या क्या पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए, उसके डिमांड देखिए, ये सारे क्वेश्चन होते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन में पूछे जाते हैं। ओके, ना कि वो वाली बातें आपको पुरानी याद करनी है। आप देखिए, मैं इसको क्लियर करके अब क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। आपको इतना तो पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसे नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं, या फिर आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में ज्यादा लॉजिक ही लगता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर तीन कैरेक्टर दिए रखे हैं, ए बी और सी। ओके,
इनको हम एक सर्कल के रूप में लगाएंगे इस तरह से। ए मान लेते हैं ए है, ए मान लेते हैं बी है, और ए मान लेते हैं सी है। अब देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें इन तीनों का रिलेशन दिखाया जा रहा है। अब हम रिलेशन कैसे करेंगे, इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है, जैसे कि इसमें बोला है कि सभी ए बी हैं, ओके। तो यानी कि ए ए है ना, ए इसके अंदर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया कि सभी ए बी हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे जैसे कि ए, ओके। यहाँ पर एक हमने सर्कल बनाया कि ये सारे ए हैं। अब इसको हमें किसके अंदर लाना पड़ेगा, बी के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि बी है ए, ओके। ए वाला सर्कल हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कोई भी, इसको ध्यान से पढ़ना है, जिस तरह यहाँ पर सभी लिखा था इसी तरह यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये आगे का नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। यहाँ पर लिखा है कोई भी ए सी नहीं है, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, ए का संबंध सी से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई भी ए सी नहीं है, यानी कि सी का ए से रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट नहीं दिया रखा है। जब यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट नहीं दिया रखा है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं, ओके। दो तरह से कैसे बना सकते हैं, अब यहाँ पर ए तो बताया नहीं, इसने इतना तो बता दिया ए का रिलेशन सी से नहीं है, लेकिन इसने ये तो बताया नहीं क्वेश्चन ने कि सी का रिलेशन बी से है या नहीं है, ये तो कंफ्यूजन में है ना। तो इसीलिए हम इसमें इसको डायग्राम को दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला मैटर हम देख लेते हैं कि इसका बी से रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम दोनों तरह से बना लेते हैं भाई। चलो यहाँ पर ये सी है, यानी कि हमने यहाँ पर जो सी है इस गोले से इसको अटैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि कोई भी ए सी नहीं है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बी और सी का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट तो बताया नहीं इसने। तो हम दूसरी तरह से इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम डायग्राम के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इतना तो हमें पता है, जैसे कि ये यहाँ पर ए है और सभी ए हैं वो बी के अंदर ही आते हैं, तो यहाँ पर हमने बी लिख लिया। अब सी है, यहाँ पर इतना तो बताया नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि बी का रिलेशन सी से है नहीं है, तो एक में हमने दिखा दिया कि रिलेशन है, और दूसरे में हम दिखा देते हैं कि रिलेशन इससे अलग भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब इसीलिए हमें जरूरत होती है ऑप्शन की। अब जैसे भी ऑप्शन दिए रखे होंगे, मतलब चार ऑप्शन पांच ऑप्शन जो भी होंगे, उन्हें हम अपने लॉजिक के आधार पर लगाएंगे कि हमारे लिए इस वाले डायग्राम की आवश्यकता है या फिर इस वाले डायग्राम की आवश्यकता है। इसीलिए हमें ऑप्शन पता होने बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए इसमें निष्कर्ष क्या निकाला है, इसमें लिखा है कुछ बी, यहाँ पर देखिए कुछ आगे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बी सी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बी हैं वो सी हैं क्या, हाँ यस, जो इस वाले रीजन में आते हैं वो कॉमन है, यानी कि बी सी, यानी कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। चलिए हम इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए वाला डायग्राम सही मानते हैं तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ओके। और अगर हम ए वाला डायग्राम मानते हैं तो ए वाला जो निष्कर्ष है ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हमें नीचे ऑप्शन नहीं पता है। जब आप नीचे ऑप्शन देखेंगे तो आपको इसको आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया रखा है कि कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया रखा है कोई भी बी, ओके, कोई भी बी सी नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी बी सी है, ओके। तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ए वाला स्टेटमेंट माना जाए तो ए वाला गलत हो जाएगा। आप देखिए जो भी यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, हम मान लेते हैं ए वाला ऑप्शन दिया रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो ए वाला गलत हो जाएगा, ओके, और ए वाला जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए रखे होंगे 1 2 3 4, ओके, तो इनमें से आप देख के आराम से लगा सकते हैं, ओके। इसीलिए ऑप्शन आप दिए होते तो मैं आराम से बता देता कि कौन सा है। तो मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया कि इन्हें कैसे करना है और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें, ओके, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर ए वाला ऑप्शन में दिया होगा तो आप देख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी इस तरह का है, अब इसमें भी देखिए सेम बोला है, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इसमें ए जो ए यहां पर आएगा
और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है। आप आराम से अपने आप भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी दो बनेंगे क्योंकि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट नहीं दिया रखा है। तो पहला मैटर इस तरह से हो जाएगा, दूसरा इस तरह से होगा। तो एक बार हम इसका कनेक्शन सी से कर देते हैं और एक बार इसका नहीं करते हैं, तो फिर से एक हम इस तरह से बना देते हैं। ए के अंदर जो बी है उसके अंदर ए आ जाएगा, और एक बार हम सी का कनेक्शन नहीं करते हैं इससे। ओके, तो आपको जो भी ऑप्शन दिया रखा होगा आप इसके आधार पर लगा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपको एक बार अप्रोच समझ में आ गया, अब आराम से कर लेंगे। अब देखिए ये थोड़ा अलग है, इसको मैं बता देता हूँ तीसरे वाले को। इसमें दिया रखा है कि सभी ए बी हैं। ओके, तो ए बी इस तरह से बनेगा, ए है, ये सभी ए हैं, ये बी के अंदर ही आते हैं, तो हमें बी क्या बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा बी। ओके, अब देखिए दूसरा क्या दिया रखा है कि सभी बी सी हैं, यानी कि जो बी हैं ए बी किसके अंदर आते हैं, ये सी के अंदर आते हैं। तो ए सर्कल इस तरह से बनेगा, और ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आपसे आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि सभी ए बी हैं क्या, जो सभी ए हैं वो बी है क्या, तो यस ये वाला सही हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी ए हैं वो बी के अंदर ही आ रहे हैं, तो यानी कि ये पहला निष्कर्ष है, ये सही हो गया है। अब दूसरा निष्कर्ष हम देखते हैं कि इसमें दिया रखा है सभी ए सी हैं, तो सभी ए सी हैं, तो आप देख सकते हैं ये सी के अंदर ही तो आ रहा है, ए जो है वो किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर ही तो आ रहा है, तो ए स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया रखा है कि सभी बी सी है क्या, जो सभी बी हैं वो सी है क्या, तो यस, क्योंकि सी के अंदर ही तो आ रहे हैं सभी बी, तो ए स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि कुछ ए बी हैं, तो कुछ जो ए हैं वो बी हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ए बी नहीं है, देखिए इसीलिए क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे हाँ कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ, लेकिन यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सभी ए बी हैं, ना कि कुछ ए बी हैं। ओके, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी ए हैं वो बी के अंदर ही आते हैं, और इसमें दिया रखा है कुछ कुछ नहीं, अगर यहाँ पर सभी दिया रखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया रखा है कि कुछ बी सी है क्या, कुछ बी वो सी है क्या, कुछ बी नहीं सभी बी सी हैं। ओके, तो ए भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर दिया नहीं रखा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आ गया है, यहाँ पर इस वजह से वो उन्होंने जब स्क्रीनशॉट सेंड किया था तो क्लियर नहीं आ पाया। तो इसी तरह आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर ए की जगह अगर यहाँ पर कुर्सी होता। ओके, अब देखिए मेरा यहाँ पर जो पहले आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पर एप्पल का टैब था उस पर मैं लिखता था, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं लिख रहा हूँ, मैंने नया एक ग्राफिक टैब मंगाया है, तो इसमें मुझे अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कर्सल कहाँ पर जाता है, मैं कहीं पर लिखता हूँ, एक दो दिनों में हैबिट हो जाएगी। जैसे कि ए की जगह पर कुर्सी दे दिया, बी की जगह पर मेज दे दिया, यहाँ पर बेड दे दिया, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस इनका जो रिलेशन होता है वो आप अच्छे से करना सीख गए तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से लगा लेंगे। तो इन्हें किस आधार पे आपको लगाना है, आपको लॉजिक के आधार पे लगाना है, ना कि नॉलेज। जैसे ही नॉलेज लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सभी कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर दे दिया एक ही जगह पे कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो आप सोचेंगे यार सभी बिल्ली कुत्ते कैसे हो सकते हैं, तो आप ये जो निष्कर्ष है वो गलत निकाल सकते हैं, तो आप उसको भूल जाइए कि आप कुछ जानते हैं। आप ये सोचिए मेरा माइंड एकदम ब्लैंक है और मैं इसके आधार पर अब लगा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मुझे जो बता रहा है वही ठीक है। ओके, क्योंकि इस तरह से भी दे सकता है कि सभी आम अमरूद हैं, और नीचे वो पूछ लेगा क्या अमरूद आम है, तो आप कहेंगे अमरूद आम कैसे होंगे, तो आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको लॉजिक लगाना है। ओके, अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बता दीजिए, मैं इस पर बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा लें, और टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, और इस पे 5 PM पे टेस्ट होता है, आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, और हम इसमें मैपिंग का टेस्ट होता है और एक अदर टेस्ट होता है। ओके, और इसके अलावा हमारे एक और चैनल है जिसमें 4,000 से ज़्यादा मेम्बर जुड़े हुए हैं, और इसमें 8 से 10 टेस्ट अभी चल रहे हैं। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।